हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। हम लोग कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान की उत्सव और त्योहार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर आपके पूछा जाता है राजस्थान का जीके। ठीक है, तो सभी के लिए ये फायदेमंद रहेगा, तो आप सभी को इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसके साथ ही इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो चल ही रही है। फर्स्ट चैप्टर के लगभग क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर ही लिए हैं, तो आप लोगों की ऐसी रिवीजन जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा मेरा मानना है कि चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर अगर हम कर लेते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। तो आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, साथ में नोट कर भी रहे हैं। और एक और बात, जैसा कि मैंने 2-3 वीडियो में ये चीज बता दी है, फिर भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। देखिए, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसमें जाकर अच्छे से देख सकते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है। तो अभी आप लेते हैं तो आपको फायदा होता है, क्योंकि आप लोगों की तैयारी जो है वो अभी से ही स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन अंतिम टाइम में पीडीएफ लेने का कोई फायदा नहीं होता है, और जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट भी करें। ठीक है, चलिए, चैप्टर है राजस्थान के उत्सव और त्योहार, तो चलिए हम मेले पढ़ते हैं। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों और त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है, इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव त्योहारों एवं मेलों को अपने गीत और अपनी संस्कृति है, यानी इन उत्सव और मेलों की खुद के गीत होते हैं और खुद की संस्कृति होती है, जिससे कि यहाँ के त्योहार और मेले का पता लगता है। यहाँ का जो सामाजिक रीति रिवाज है, संस्कृति है, वो पता लगती है उन त्योहारों और मेलों से। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले त्योहार अपने सामाजिक, आर्थिक और महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ त्योहार जो हैं वो कैसे होते हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन कुछ व्यवसायिक सामाजिक या आर्थिक ये भी होते हैं। अब कैसे, जैसे अजमेर में पुष्कर जी का मेला है, तो ये धर्म प्रधान मेला है। अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला, ये भी धर्म प्रधान मेला है। सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठ, मांगलोद में दधिमती माता का मेला, उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धुलेव का मेला, अलवर के पास भरतरी का मेला। तो ये सब कैसे हैं, धर्म प्रधान मेले हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से आर्थिक मेले हैं, कौन से सामाजिक मेले हैं, या कौन से धार्मिक मेले हैं। तो इन्हीं में से आपको 3 जो है वो धार्मिक मेले दे दिए जाएंगे और 1 आपको सामाजिक मेला दे दिया जाएगा। तो उसमें पूछा जाएगा कौन सा इसमें से धार्मिक प्रधान मेला नहीं है, तो याद रखना है। इनको याद रखने बहुत ही आसान है। जितने भी, जैसे यहाँ पर शिव जी का नाम आया है, हनुमान जी का नाम आया है, माता का नाम आया है, या करौली में केला देवी का नाम आया है, ठीक है, तो ज्यादातर जो है वो आपके भगवान जी जो होते हैं उनके नाम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये मेले जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये सभी धर्म प्रधान मेले हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डूंगरपुर का वेणेश्वर का मेला, 12 जिले की शाहबाद तहसील का, शहरियों का सीताबाड़ी मेला आदि आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये आदिवासी मेले हैं, कौन सा, डूंगरपुर का वेणेश्वर का मेला, 12 जिले की शाहबाद तहसील की सहरिया जनजाति जो है उनका सीताबाड़ी मेला। ये कैसे मेले हैं, आदिवासी मेले हैं। पर्वतसर में तेजा जी का मेला, पोकरण के रुणीचा में रामदेव जी का मेला, कोलूगढ़ में पाबू जी का मेला, ददरेवा में गोगा जी का मेला, ये सभी कैसे हैं, लोकनायक मेले हैं। इसके अलावा देखिए, मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख हैं। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण जो है वो यहाँ प्रस्तुत है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पुष्कर का मेला। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। ये धार्मिक मेला है, अजमेर में है पुष्कर का मेला, जो कि हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यही
ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। तो आप सोचिए, ब्रह्मा जी की जो पूजा है, मंदिर जो है, वो क्या आपने कहीं देखा है? तो केवल एक ही है मंदिर, जो कि कहाँ है, पुष्कर में। ठीक है, ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें विधि अनुसार पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो यहीं पर है, और कार्तिक माह की पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, आप लोगों को याद लो हो गया होगा ये कि पुष्कर का मेला जो है वो अजमेर में लगता है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहीं पर है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में बिज्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी वहां झीलें बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर। ठीक है, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर, इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, और यह यज्ञ कार्तिक मास में ही संपन्न हुआ। इसीलिए कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला जो है वो यहाँ लगता है। तो ये एक पौराणिक कथा है जो कि आपके एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी, फिर भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला जो है वो पुष्कर में क्यों लगता है। पुष्कर में कार्तिक माह में दीप दान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पौराणिक है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सब में सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षण और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। तो इसी समय जो है वो यहाँ पर पशु मेला भी लगता है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, याद करने का एक तरीका ऐसा होता है जिसमें अगर पूरे पैराग्राफ को पढ़ लिया जाता है तो ये चीज हम भूलते नहीं हैं, लेकिन केवल पॉइंट पॉइंट याद करते हैं तो वो चीजें जो हैं वो हम भूल जाते हैं। जब सभी मेलों को आप याद करेंगे और केवल उनका ये याद करेंगे कि ये मेला जो है वो किस जगह पर लगता है और कब लगता है, तो ये चीजें जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं। याद करने का तरीका यही है बिल्कुल कि पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा जाए और फिर वो मेन चीजें जो है वो हाईलाइट की जाए जिससे कि वो माइंड में रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, जीण माता का मेला। सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हटड़ द्वारा करवाया गया। यह माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित हैं। देखिए, शब्द शुद्धि के लिए आपका एक वर्ड है प्रज्वलित। यहाँ पर 2 जा हैं और वो भी कैसे हैं, आधे। ठीक है, याद रखना है प्रज्वलित। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे। तो आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने RBSC की बुक में ये चीज बिल्कुल अच्छे से पढ़ी थी, हर्ष और जीण की कहानी। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज यानी भावी, अब देखिए राजस्थानी शब्द है ये भावज, के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता लगा तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। तो भाई ने क्या किया, अपनी बहन को घर लौटने का आग्रह किया, जो कि वह अपनी भाभी के तानों से दुखी होकर रेवासा की पहाड़ियों में तपस्या करने चली गई थी। जब जीण किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो भाई हर्ष ने क्या किया, उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहां विद्यमान है।
तो ये तो जनश्रुति यानी कि वहां के लोगों का मानना है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी लाखों तीर्थ यात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष हलचल होती है। ठीक है, तो जीर्ण माता का जो मेला है वो कहाँ लग रहा है? सीकर जिले के रेवासा ग्राम में। ठीक है, याद रखना है। और मान्यता जो है वो क्या है, हर्ष और जीर्ण ये दोनों भाई बहन के मान्यता जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा चैत्र और आश्विन माह में जब नवरात्रि होते हैं तो इस समय यहाँ पर ये जो मेला है वो बहुत दिखाई देता है। अगला देखिए, खाटू श्याम जी का मेला। तो देखिए, एक बच्चा बोल रहा था मैम इतनी स्पीड से मत पढ़ाया करिए, समझ में नहीं आता है। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड अपनी कम कर लूंगी। ठीक है, खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में स्थित, अब सीकर जिले में ही है स्थित खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्याम जी, श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। तो खाटू श्याम जी का मेला जो है वो सीकर जिले में लगता है। खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वहां पर है। और कब लगता है ये मेला? फागुन की शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। ठीक है, वर्ष में एक बार। नेक्स्ट देखिए, भर्तहरि का मेला अलवर से, भर्तहरि का मेला जो है वो अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तहरि नामक स्थान पर 2 बार वैशाख और भादों में लक्खी मेला आयोजित होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत तो हो उठता है। जनश्रुति, वहां के लोगों का मानना है कि गोपी चंद भर्तरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी थी रानी पिंगला, बहुत ही सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भर्तरी को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे, यहीं उनकी समाधि भी है। तो भर्तरी का मेला जो है वो अलवर में 40 किलोमीटर दूर भर्तरी नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, 2 बार लगता है, बैसाख में और भादों में। ठीक है, तो यहाँ पर केवल भर्तरी का मेला कब लगता है, कौन से माह में लगता है, ये तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा स्टेटमेंट भी याद रखना है कि ये मेला जो है वो क्यों लगता है, किस कारण से लगता है, किस राजा के वजह से ये मेला जो है वो अलवर में लगाया जाता है। क्योंकि देखिए, स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर इनमें से ही पूछ लिया जाता है कि भर्तरी राजा की पत्नी का नाम जो है वो रानी पिंगला था, या कोई और नाम जो है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा पिंगला रानी को रिप्लेस करके किसी और का नाम, तो वहां पर गलती हो जाती है। इसीलिए पैराग्राफ जो है वो पूरा ही समझना होगा, लेकिन याद जो है वो केवल यही रखना है, मेला कब लगता है और किसकी याद में लगता है। डिग्गी के कल्याण का मेला जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। तो डिग्गी के कल्याण जी का मेला जो है वो जयपुर से 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। नेक्स्ट देखिए कि इनके बारे में लोगों का क्या मानना है। तो क्या स्टोरी है इसकी? इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 साल के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्यु लोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग्ग उर्वशी पर क्या हो गए? मोहित हो गए। उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गए। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी, और वो क्या थी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा।
यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्यु लोक में आए। राजा दिग्व के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया। ठीक है, इंद्र ने क्या किया, अब उसे तो हरा दिया, किसे, उस राजा दिग्व को जो कि उर्वशी पर मोहित हुआ था। और क्या हुआ, उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दे दिया, जैसा कि उसने कहा था कि अगर वह नहीं बचा पाए तो उनको शाप वो दे देगी। तो शाप दे दिया राजा को कि वह कौड़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा दिग्व पर दया आ गई। उन्होंने राजा को कुंट से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से ही राजा का जो कुष्ठ रोग है वो मिट जाएगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा दिग्व का कुष्ठ रोग से कल्याण किया, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। तो अब आपको समझ में आ गया कि डिग्गी के कल्याण का मेला जो जयपुर से कुछ दूर टोंक जिले में लगता है, डिग्गीपुरी में, वो क्यों लगता है, राजा दिग्व के कारण लगता है। उनका कुष्ठ रोग जो है वो भगवान विष्णु ने ही दूर किया था। तो इसीलिए ये लाइन अब आपको समझ में आई होगी कि डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। श्री महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले की हिंडौन तहसील में गंभीरी नदी के किनारे पर, गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र की शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख की कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला लगता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। तो जैनों का जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा मेला है, श्री महावीर जी का मेला। कब लगता है ये, यह सवाई माधवपुर जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर चंदन गांव में हर साल चैत्र की शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख की कृष्ण प्रतिपदा तक लगता है। जनश्रुति है, अब यहाँ पर भी क्या सुना जाता है कि किरपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः यानी खुद अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। किरपादास ने उसे प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सबसे पहले पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बहुत बड़ी रकम दान दी। तो जिस प्रतिमा को किरपादास ने झोपड़ी में रख दिया था उसे सबसे पहले किसने पहचाना था, अमरचंद बिलाला ने, कि यह तो महावीर जी की प्रतिमा है जिस पर वो गाय जो है वो क्या करती थी, खुद ही दूध गिराती थी। ठीक है, तो नाम याद रखना है, अमरचंद बिलाला ने सबसे पहले महावीर जी की प्रतिमा को पहचाना था। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पहले रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्व धर्म का अद्वितीय आयोजन है। तो देखिए, हर मेले की हम लोग स्टोरी जो है वो पढ़ते चल रहे हैं, अब ये चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाली हैं। नेक्स्ट है करणी माता का मेला। बीकानेर जिले की नौखा तहसील के देश नौक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर है। यह चूहों के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहली बात, करणी माता का मेला जो है वो बीकानेर जिले की नौका तहसील के देश नोक में लग रहा है। बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी कौन है, करणी माता, याद रखना है, बीकानेर में लग रहा है और बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी है करणी माता। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है मंदिर, चूहों के मंदिर के लिए, स्पेशली सफेद चूहों के मंदिर के लिए जाना जाता है ये मंदिर।
यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। और यहाँ मेला जो है वो कब लगता है, प्रति वर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। जितने भी माताओं का मंदिर जो होते हैं वहां जो मेले हैं वो अक्सर कब लगते हैं, नवरात्रों में ही लगते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखने का ट्रिक है। अगला देखिए, शीतला माता का मंदिर। जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधव सिंह ने करवाया। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित हैं। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में शेड़ शीतला तथा शेड़ल माता के रूप में जाना जाता है। जैसे कि शेड़ की पूजा करते हैं, ठंडा खाना खाते हैं, तो वो चीज आपको याद आई होगी। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। तो देखिए, शीतला माता का मंदिर जो है वो जयपुर जिले के चाकसू तहसील की शील की डूंगरी गांव में चैत्र की कृष्ण सप्तमी अष्टमी को लगता है। इसके अलावा निर्माण जो है वो जयपुर के महाराज माधव सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जयपुर के महाराज माधव सिंह ने करवाया था। और उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में शेड़ल माता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। तो केला देवी का मेला जो है वो सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पर्वत की घाटी में ये मेला मंदिर है। और यहाँ पर मेला कब लग रहा है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। केला माता के मंदिर में दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है, जिन्हें कहते हैं लक्ष्मी नाम से जिन्हें जाना जाता है, और बाईं तरफ है चामुंडा की मूर्ति। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुड़िया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। आपको पता है कि केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, इन्हें स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? लांगुड़िया नाम से जानते हैं। अब देखिए, लोक श्रुति यानी लोक कथा के अनुसार क्या कहानी है इसकी, कि जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा, तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। तो आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा ये स्टोरी। तो यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, तो याद रखना है, केला देवी का मंदिर जो है वो सवाई माधवपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पर्वत की घाटी में इनका मंदिर है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, और मंदिर के सामने जो है हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें स्थानीय लोग क्या कहते हैं? लांगुरिया। कपिल मुनि का मेला। चलिए, कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलायत में। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। याद करना बहुत ही आसान है। का से कपिल मुनि, का से कोलायत, और का से ही कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, बीकानेर जिले में। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। तो ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है, कि जो महर्षि मनु थे, उनकी जो बेटी थी, उनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ था।
कपिल मुनि जो है वो धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिमालय में निवास करने लगे थे, और जब वो अपनी यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में नकली स्थान को देखा और उससे क्या हो गए, वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। तो उनकी आत्मा जो है उसका एक भाग तो वहीं रह गया और शेष हिमालय चला गया। तो उस नकली स्थान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता के लिए इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है, माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। तो ये एक कहानी है जो कि आप थोड़ा सा याद रखें, लेकिन बस एग्जाम में पूछा यही जाएगा कि कपिल मुनि का मेला जो है वो बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे, तो ये हमने हिस्ट्री में देखा था पहले। अपना शेष जीवन अजमेर में ही बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया। तो गरीब नवाज के नाम से किन्हें जाना जाता है? ख्वाजा साहब को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। कहाँ से आए थे ये? ईरान से आए थे और अजमेर में आकर बस गए थे। अजमेर में इनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। इस्लाम कैलेंडर के अनुसार रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खदिम भीतर गए। वहां उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मजार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ को बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ ये प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर और जहांगीर द्वारा प्रदत्त बड़ी देग और छोटी देग में चावल पकाकर तर्वरुख यानी प्रसाद बांटा जाता है। तो जिस तरीके से हिंदुओं में प्रसाद जो है वो बनाया जाता है, इसी तरीके से उर्स के दौरान जो है वह अकबर और जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग और छोटी देग में चावल पकाकर तर्वरुख यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्व धर्म संभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। तो संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा है? वो मेला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ठीक है, मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर में। गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फकरुद्दीन की मजार है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मजार ए फकरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ भी किया जाता है। तो गलियाकोट का उर्स जो है वो डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फकरुद्दीन की मजार है और यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मजारे फकरी भी कहते हैं। तो ये 2 लाइनें जो हैं वो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए वेणेश्वर का मेला। वेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो
तो हमने देखा कुछ मेले धार्मिक मेले हैं, कुछ सामाजिक मेले हैं, और आदिवासियों का जो मेला है वो है वेड़ेश्वर का मेला, जो कि राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, और डूंगरपुर जिले में ये मेला जो है वो भरता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ की पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर भरता है। तो याद रखना है आपको केवल कि डूंगरपुर जिले में वेणेश्वर का मेला जो है वो भरता है, कब? माघ की पूर्णिमा को। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? वेणेश्वर मेले को। वेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति की यह शिवलिंग स्वयं अद्भुत है। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। इसके बारे में यह कथा प्रचलित है। अब इसकी एक कथा है कि नवातपुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धा अभिषेक करके चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला गया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय को लिंग पर दुग्धा अभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। तो जैसे ही उसने देखा वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, इस वजह से वो क्या खंडित हो गई, 5 हिस्से हो गए। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बाद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की तो पूजा नहीं की जाती है, फिर भी इसकी पूजा जो है वो की जाती है। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला जो कि कोटा में, सरस मेला, ये हस्तशिल्प मेला है, आर्थिक मेला या व्यवसायिक मेला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज और गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो कि जयपुर में, ये सभी राष्ट्रीय मेले हैं। ठीक है, आभानेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट उत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, रणकपुर उत्सव गोड़वाड़ मेला पाली में, ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू में, मेवाड़ समारोह उदयपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मत्स्य उत्सव अलवर में, और चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये सभी राष्ट्रीय मेले हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या आप जानते हैं, तो इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो यहाँ पर भी हो सकती है। जयपुर के पास भावगढ़ बंध्या गांव में खलकाड़ी माता गर्दभ मेला आयोजित किया जाता है। गर्दभ मेला, इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है। तो कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाहों ने चंद्रा मीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। ठीक है, तो ये गर्दभ मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? ये जयपुर के पास भावगढ़ बंध्या गांव में खलकाड़ी माता गर्दभ मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। यहाँ पर कौन होते हैं जानवर? गधे और खच्चर। तो ये जो दो चीजें हैं वो आप याद रखना है। उसके बाद चैप्टर जो है वो पूरा हो चुका है। कुछ बहुचयनात्मक प्रश्न है। देखिए, भरतरी का मेला किस जिले में भरता है? तो भरतरी का मेला जो है वो किस जिले में भरता है? अलवर, सीकर, बूंदी, उदयपुर। तो हमने देखा था कि अलवर में भरतरी का मेला जो है वो भरता है। अगला देखिए, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हमने देखा था कि श्रावण में तो तीज मनाई जा रही है, लेकिन बूंदी में कजली तीज जो है वो कब मनाई जाती है? भाद्रपद में। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो श्री महावीर जी, यहाँ पर लठमार होली जो है वो खेली जाती है। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो बताइए कि गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर, नौरोज कौन सा ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो नौरोज है ये ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। इसके अलावा गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस ये सभी ईसाई धर्म से संबंधित हैं। तो इन चारों में से आप भी अच्छे से चैप्टर को पढ़ने के बाद देखिएगा कि सभी आंसर जो है वो सही हैं या नहीं सही हैं। ठीक है, इसके बाद सुमेलित करना है। कल्याण जी,
ठीक है, कल्याण जी का स्थान जो है वो क्या है, देशनोक है, सवाई माधोपुर है, कौलायत है या डिग्गी है। तो स्टोरी जो है, अगर आपने स्टोरी ही पढ़ी है तब भी आपको चीजें जो है वो याद रहती हैं। ठीक है, कपिल मुनि, कपिल मुनि के नाम से तो मैंने आपको का से बताया था, का से कपिल मुनि, का से कौलायत और का से ही कार्तिक। और श्री महावीर जी, महावीर जी जो है वो सवाई माधोपुर, कल्याण जी जो है जिनका स्थान जो है वो डिग्गी, और करणी माता जो है देशनोक, ये हमने अभी देख लिए थे। तो इस तरीके से आप भी अच्छे से देखिएगा इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको भी सॉल्व करने होंगे। मुस्लिम समुदाय के तीन पर्व जो हमने अभी पढ़े हैं, इनके नाम आपको सोचने हैं, पढ़ने हैं, वीडियो को पॉज करके वापस देखना है। अबूझ साबा कौन सी तिथि को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आपकी बारी है। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला, बिल्कुल अभी ही हमने देखा था कि आदिवासी समाज का मेला जो है वो डूंगरपुर में कौन सा मेला लग रहा है। जीण माता मंदिर जो है वो राजस्थान के सीकर जिले में हमने देखा था, स्टोरी पढ़ी थी। चूहों के मंदिर के लिए देखिए देशनोक बीकानेर। ठीक है, खाटू जी श्याम जी किस भगवान के रूप में माने जाते हैं। तो स्टोरी पढ़ने के बाद तो और भी क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाते हैं, यदि आपको याद नहीं है कि मेला जो है कहाँ पर भरता है या किसका भरता है। तो जो कहानियां होती हैं वो भी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करती हैं, तो इसीलिए चैप्टर जो है वो डिटेल में ही पढ़ना सही रहता है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।